हेलो एवरीवन, आज से हम एमएड के जो फर्स्ट चैप्टर है टीचिंग इन एमर्जिंग इंडियन सोसाइटी, इसमें फर्स्ट देखेंगे चैप्टर से जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ वर्ड एजुकेशन। तो जो एजुकेशन वर्ड की उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है? ऑप्शन ए ई एंड केटम, ऑप्शन बी एडू एंड केटम, ऑप्शन सी वर्ड एडुकेट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो जो एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है वो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ई एंड केटम से। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एजुकेशन इज आर्ट, एजुकेशन क्या है? आर्ट है, ऑप्शन बी एजुकेशन इज साइंस। एजुकेशन क्या है? साइंस है, ऑप्शन सी इट इज़ नाइदर एन आर्ट एंड नॉर साइंस, ये ना ही आर्ट है ना ही साइंस है। ऑप्शन डी टू सम एक्सटेंट इट इज़ एन आर्ट एंड टू सम एक्सटेंट इट इज़ साइंस, कुछ मामलों में ये क्या है? साइंस है, कुछ मामलों में आर्ट है। तो हमारा डी ऑप्शन सी ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज कॉल्ड एजुकेशन एक्वायर्ड विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पज, फिक्स पीरियड एंड प्लेस। ऑप्शन ए इनडायरेक्ट एजुकेशन, ऑप्शन बी इंडिविजुअल एजुकेशन, ऑप्शन सी इनफॉर्मल एजुकेशन, ऑप्शन डी फॉर्मल एजुकेशन। तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इनफॉर्मल एजुकेशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द नेचर ऑफ टीचिंग। नेचर ऑफ टीचिंग के बारे में पूछा है, इट इज़ डायग्नोस्टिक, इट इज़ रेमेडियल, इट इज़ डायग्नोस्टिक एज वेल रेमेडियल। तो ये सारे ही क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी में दिया ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो ये सारे स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कंपलसरी एलिमेंट ऑफ लर्निंग का नेसेसरी, मतलब लर्निंग के लिए क्या कंपलसरी एलिमेंट है? तो ऑप्शन ए एबिलिटी टू रीड, ऑप्शन बी ब्राइट माइंड, ऑप्शन सी टेंडेंसी टू नो, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। मतलब आपके अंदर क्या होनी चाहिए? एबिलिटी, क्षमता होनी चाहिए लर्न करने की। आपके अंदर ब्रिलियंट माइंड होना चाहिए या ब्राइट माइंड, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा माइंड होना चाहिए। ऑप्शन सी टेंडेंसी टू नो। तो एक कंपल्सरी एलिमेंट क्या होता है? कि आपके अंदर जानने की इच्छा हो। ठीक है, व्हाट इज़ द मेन सेंटर ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन? इनफॉर्मल एजुकेशन का मेन सेंटर क्या है? सोसाइटी, फैमिली, रेडियो एंड टेलीविज़न एंड ऑप्शन डी में दिया ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी हो जाएंगे, सोसाइटी, फैमिली, रेडियो एंड टेलीविज़न, ये सभी हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। सेवन क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फर्स्ट स्कूल फॉर अ चाइल्ड एजुकेशन क्या है? सोसाइटी है, फ्रेंड्स है, फैमिली है या स्कूल है? तो जो फर्स्ट स्कूल है चाइल्ड के लिए एजुकेशन के मामले में वो क्या है? फैमिली है। ठीक है, एट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, व्हाट इज़ द करेक्ट अबाउट एजुकेशन एज टू फोल्ड प्रोसेस। तो ऑप्शन ए में कह रहा है, टीचर एंड टेक्स्ट बुक आर इट्स टू एलिमेंट, ऑप्शन बी टीचर एंड स्टूडेंट आर टू इट्स टू एलिमेंट, ऑप्शन सी एजुकेशन सेंटर्स एंड एनवायरमेंट एज इट्स टू एलिमेंट एंड ऑप्शन डी एम एंड टेक्निक्स आर टू एलिमेंट्स। तो ऑप्शन बी में क्या है? टीचर एंड स्टूडेंट दोनों को इन्वॉल्व किया गया है, तो यही सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या कह रहा है? टीचर एंड स्टूडेंट आर इट्स टू एलिमेंट, इट इज़ राइट आंसर। ओके, नाइन क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडियलिस्ट। आइडियलिस्ट के अनुसार स्कोप क्या है एजुकेशन का? ऑप्शन ए एजुकेशन शुड बी कंपल्सरी, एजुकेशन जरूरी होना चाहिए। ऑप्शन बी एजुकेशन इज़ मीन बाय आइडियलिस्टिक ओनली, एजुकेशन का मतलब आइडियलिस्टिक के लिए ओनली, मतलब एजुकेशन का मतलब सिर्फ आइडियलिस्ट होना ही है? नहीं। ऑप्शन सी ओनली दे डिजर्व एजुकेशन हु आर स्पिरिचुअलिस्ट एंड ऑप्शन डी अरेंजमेंट ऑफ एजुकेशन शुड बी वॉलेंट्री, मतलब आपकी इच्छा के अनुसार होना चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, एजुकेशन शुड बी कंपल्सरी। एजुकेशन क्या होना चाहिए? सबके लिए होना चाहिए, कंपल्सरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन सिस्टम सपोर्ट्स साइंटिफिक प्रोसेस। ऑप्शन ए रियलिस्टिक एजुकेशन, ऑप्शन बी आइडियलिस्टिक एजुकेशन, ऑप्शन सी नेचुरलिस्टिक एजुकेशन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो जो सपोर्ट एजुकेशन साइंटिफिक प्रोसेस में कौन सा है? कहता है रियलिस्टिक एजुकेशन। ठीक है, क्वेश्चन 11 है, हु वाज द सपोर्टर ऑफ नेचुरलिज्म इन एजुकेशन? फ्रोबेन, आर्मस्ट्रॉन्ग, जॉन लॉक या रूसो? तो ये रूसो थे सपोर्टर नेचुरलिज्म के। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। 12th क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग प्रैग्मेटिज्म। तो ऑप्शन ए प्रैग्मेट एक्सेप्ट एनी डिफाइंड एंड इंटरनल ट्रूथ ऑफ प्रिंसिपल, ऑप्शन बी अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म ट्रूथ इज मैन मेड, ऑप्शन सी प्रैग्मेट सपोर्ट स्पिरिचुअलिज्म, ऑप्शन डी प्रैग्मेटिज्म स्टेज मोर ऑन एक्ट रैदर देन थॉट। तो ये ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, प्रैग्मेट सपोर्ट स्पिरिचुअलिज्म। ठीक है, 13th क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम? करिकुलम का क्या मतलब है? अ चाइल्ड लर्न थ्रू करिकुलम, एक बच्चा करिकुलम के थ्रू लर्न करता है। ऑप्शन बी सम टोटल ऑफ द एनुअल स्टडी, सब मतलब जो पूरे साल में स्टडी किया गया उसका सम टोटल। ऑप्शन सी सम टोटल ऑफ द एक्टिविटी
ऑफ ए स्कूल जो पूरे टोटल स्कूल में एक्टिविटी हुई है वो, या ऑप्शन डी इंडिकेट द कोर्स ऑफ टू बी टॉट बाय द टीचर्स टू द स्टूडेंट थ्रू आउट द ईयर। तो ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा कि बच्चा जो पूरे टाइम अब स्कूल में सीखता है वो इंडिकेट द कोर्स टू बी टॉट बाय द टीचर्स, जो भी कोर्स पढ़ाया गया बच्चे टीचर्स के द्वारा स्टूडेंट थ्रू आउट द ईयर पूरे ईयर में, ठीक है। 14 क्वेश्चन है, विच बुक वॉज रिटन बाय द प्लेटो ऑन एजुकेशन, ये तो सबको पता है, तो कौन सी बुक है, द रिपब्लिक, ठीक है। 15 क्वेश्चन है, विच सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज प्रपोन्ड बाय महात्मा गांधी, तो टीचिंग बाय एक्टिविटीज़ ये भी बताया गया है, टीचिंग थ्रू म्यूजिक ये भी बताया गया है, टीचिंग थ्रू लिसनिंग मेडिटेशन एक्सेट्रा, ये तो सभी हो जाएंगे महात्मा गांधी के द्वारा एजुकेशन के लिए प्रपोन्ड किया गया, ठीक है। 16 क्वेश्चन है, विच इज़ द प्लेस फॉर प्रिंसिपल इज एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, तो ऑप्शन ए ओवरऑल हेड ऑफ द स्कूल, ऑप्शन बी मैनेजर ऑफ द स्कूल, ऑप्शन सी ओनर ऑफ द स्कूल, या ऑप्शन डी फाउंडर ऑफ द स्कूल, तो ये मैनेजर ऑफ द स्कूल से रिलेटेड है, ठीक है। 17 क्वेश्चन है, इफ़ अ स्टूडेंट हैज़ फेल्ड, अगर एक बच्चा क्या एक छात्र फेल हो जा रहे हैं एनी क्लास, वॉट शुड बी डन टू हिम, तो क्या करना चाहिए, ही शुड टू बी गिवन चांस टू इम्प्रूव एंड सेंड टू नेक्स्ट क्लास आफ्टर ही इम्प्रूव, मतलब उसे चांस देना चाहिए और नेक्स्ट क्लास में भेजना चाहिए इम्प्रूवमेंट के बाद। सेकेंड ऑप्शन, ही शुड बी केप्ट इन द सेम क्लास, उसको सेम ही क्लास में रखना चाहिए, मतलब वो इम्प्रूव करने के लिए उसको उसी क्लास में रखना चाहिए। ऑप्शन सी, ही शुड बी एडवाइज टू लीव स्टडी, मतलब उसे सलाह देनी चाहिए कि आप स्टडी छोड़ दो। एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ मेथड्स आर राइट, मतलब जितने मेथड्स बताए गए हैं वो सभी सही हैं, नहीं ऑप्शन ए सही है, ही शुड टू गिव इन टू चांस, उसको चांस देना चाहिए इम्प्रूव करने के लिए और नेक्स्ट क्लास में भेज देना चाहिए आफ्टर इम्प्रूवमेंट, ठीक है। 18 क्वेश्चन है, वॉट आर करिकुलम एक्टिविटीज़ यूज इन टेक्निक, टीचिंग में कौन कौन सी आपको टेक्निक यूज करनी चाहिए। फर्स्ट, मेक टीचिंग ईजी, टीचिंग प्रोसेस को ईजी करना चाहिए, टू मेक टीचिंग लिसनिंग ईजी टू अंडरस्टैंड एंड इफेक्टिव, मतलब टीचिंग प्रोसेस को इंटरेस्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग समझने के पर्पज से और प्रभावशाली बनाना चाहिए। ऑप्शन सी, टू मेक टीचिंग अट्रैक्टिव, टीचिंग प्रोसेस को क्या करना चाहिए, अट्रैक्टिव बनाना चाहिए, या फिर टू असिस्ट द टीचर, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 19 क्वेश्चन है, व्हाट आर 3 कंपोनेंट ऑफ द एजुकेशन प्रोसेस, कौन कौन से हैं, तो हमारे ये सबको पता ही नॉर्मल है, टीचर स्टूडेंट एंड एजुकेशन, ये 3 कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन प्रोसेस के हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन है, व्हाट इज द टीचिंग थ्रू डिडक्टिव मेथड, डिडक्टिव में आप क्या होता है, जर्नल टू स्पेसिफिक जाते हो, ठीक है। 21 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेसन प्लान, लेसन प्लान का मीनिंग क्या है, टू रीड द लेसन बिफोर रीडिंग इट, मतलब जब आप उसको पढ़ा रहे हो तो उसके पहले आप क्या कर लो, उसको पढ़ लो, ठीक है। एंड ऑप्शन बी क्या है, टू प्रिपेयर ऑल द टीचिंग वॉन्ट टू टीच इन द लिमिटेड पीरियड, ऑप्शन सी टू प्रिपेयर डिटेल आंसर ऑफ द ही क्वेश्चंस टू बी आस्क इन द क्लास, एंड ऑप्शन डी टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ क्वेश्चन टू बी आस्क, तो हमारा फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन टू रीड द लेसन बिफोर टीचिंग इट, ठीक है। 22 क्वेश्चन है, इन विच सेंचुरी रूसो पॉपुलराइज द नेचुरलिस्ट फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इन वेस्ट, तो ये 18 सेंचुरी था। 23 क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्सियोलॉजी, एक्सियोलॉजी क्या है, तो लॉजिक एथिक्स एंड एथिस्टिक ये सब चीज़ें मिला के एक्सियोलॉजी होती है, ठीक है। 24 क्वेश्चन है, हु बिलीव द एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मैंस एडजस्टमेंट टू नेचर टू हिज फॉलोअर्स एंड एनवायरमेंट, तो ये रियलिस्टिक का आइडियोलॉजी था, ठीक है। 25 क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डू द रियलिस्टिक गेट देयर एम टू एजुकेशन, तो ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है। 26 क्वेश्चन है, वॉट वुड रियलिस्ट टू डू डिटरमाइन द एम ऑफ एजुकेशन, तो इसमें देखा जाए तो फर्स्ट आपका ऑप्शन है, यूज द इंटरेस्ट एंड नीड ऑफ पीपल्स इन द प्रेजेंट, ऑप्शन बी एक्सेप्ट अनसर्टेनिटी द एम लिस्ट बाय द चर्च, ऑप्शन सी एक्सेप्ट ओनली दोज एम वेयर रिजल्टेड फ्रॉम अ स्टडी ऑफ सोसाइटी, तो ये हमारा ऑप्शन सी ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। 27 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एम ऑफ क्लासिकल रियलिस्टिक इन एजुकेशन, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रिपरेशन फॉर वंस वोकेशनल वर्च्यू, ठीक है। 28 क्वेश्चन है, टू ट्राई द क्वेश्चन ऑफ हु शैल बी एडुकेटेड, तो इसके लिए हो जाएगा द काइंड ऑफ गवर्नमेंट, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 29 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीन ऑफ करिकुलम, करिकुलम का क्या मतलब है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्या है बी ऑप्शन, क्या कह रहा है, ऑल द एडुकेटिव एक्सपीरियंस माइनस रूम ऑर्गेनाइज सपोर्ट प्रोग्राम, ठीक है। 30 क्वेश्चन है, ऑन व्हाट डिपेंड द वैल्यू ऑफ एन एजुकेशनल एक्सपीरियंस इन द आईज ऑफ द आइडियलिस्टिक, तो उनके अकॉर्डिंग, आइडियलिस्टिक के अकॉर्डिंग क्या ये इसका करेक्ट आंसर बन रहा है, ऑप्शन बी वेदर और नॉट टू प्रिजर्व एक्सेप्टेड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। 31 क्वेश्चन है, विच एजुकेशनल एक्टिविटीज इज मोस्ट डिजायरेबल टू द प्रेग्नेंटिंग,
प्रैग्मेटिस्ट के अकॉर्डिंग कौन सा डिजायरेबल एक्टिविटी है इन एजुकेशनल एक्टिविटी, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। क्या कह रहा है ऑप्शन ए, अप्रोक्सीमेटली द गोल विच एजुकेशनल साइंटिस्ट हैव सेट अप, तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज आर राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 32, विच इज द व्यू पॉइंट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेटर्स रिगार्डिंग द इशू ऑफ लिबरल वर्सेज वोकेशनल एजुकेशन, तो 32 क्वेश्चन के अनुसार लिबरल आर्ट्स सब्जेक्ट शुड प्रोसीड वोकेशनल ट्रेनिंग, दिस इज द राइट आंसर। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताइए, एंड नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।